अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यह है मोहम्मद उस्मान जो आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया है जो हम बनाने लगे हैं, केस्ट स्कॉलरशिप जो कोरिया का आया हुआ है, जो वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप्स में काउंट किया जाता है साउथ कोरिया का स्कॉलरशिप। वैसे तो ग्लोबल कोरिया पे भी हमने बनाई, एक यूएसटी यूनिवर्सिटी थी उस पर भी बनाई। अब केस्ट जो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप रैंकिंग में आती है, रिसर्च में भी सबसे अच्छी है, इसका एक स्कॉलरशिप आया था रिसेंटली जिसकी डेडलाइन जो है 9 अप्रैल है। उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना। एक तो ये कि इसके अंदर नो आइट्स, जीआरई और रिसर्च प्रपोजल की जरूरत नहीं है। अगर हो तो वेल एंड गुड, आपकी एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर ना भी हो तो जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए एग्जेप्शन मिल जाएगी आइट्स से, आपको आइट्स देने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर एग्जेप्शन का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। कंसेंट लेटर ऑप्शनल फॉर मास्टर बट कंपल्सरी फॉर पीएचडी। अब ये कंसेंट लेटर क्या होता है? कंसेंट लेटर एक किस्म का आपका एक्सेप्टेंस लेटर होता है जो हम प्रोफेसर को ईमेल करते हैं, लेकिन साउथ कोरिया और जो हमारा जापान होता है वहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर नहीं, कंसेंट लेटर होता है। कंसेंट लेटर क्या होता है? आप अपने प्रोफेसर को ईमेल करते हो, अपने एरिया से मैच करने वालों को उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि हमें जो है कंसेंट लेटर दें। वो क्या करेंगे, वो आपके रिसर्च प्रपोजल को या सीवी को जो जो वो डिमांड करेंगे उसको रिव्यू करने के बाद हो सकता है वो आपसे शॉर्ट इंटरव्यू भी कनेक्ट कर लें, अगर पॉसिबल हुआ तो। वरना वो क्या करेंगे कि सिंपल आपके वो रिव्यू करने के बाद आपको एक कंसेंट लेटर की ईमेल सेंड करेंगे, आपने वो ईमेल का स्क्रीनशॉट वहाँ पे लगाना होता है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं तो आपके प्रोफेसर ये कंसेंट लेटर को बाय हैंड सबमिट करा देते हैं। अब हम चलते हैं इसकी डेडलाइन, इसकी डिटेल्स की तरफ। तो जैसा कि मैंने ग्रुप में कुछ देर पहले ही इसके बारे में पोस्ट की, अगर आपने देखी हो तो, जैसा कि आप ये देखें ग्रुप में मैंने की भी है। अब यहाँ पे मैंने लिंक्स भी दी, मैंने यहाँ पे लिंक है आपका, ये है यहाँ पे, ये लिंक है। अब कुछ लोगों के आ रहे थे कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या कौन कौन सी डिग्रीज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखें इस लिंक में गिवन है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स भी है, मैथमेटिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, नैनो साइंस टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, मेडिकल साइंसेज है, इंजीनियरिंग भी हैं। तो आप यहाँ से वन बाय वन काफ़ी कुछ जो है चेकअप कर सकते हैं जो भी आप देखना चाहें। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कौन सी है, मैकेनिकल है, एरोस्पेस है, मैकेनिकल एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटिंग, सिविल, बायो, ब्रेन, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल सिस्टम, केमिकल, बायोकेमिकल, ये बहुत सारी फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है हर चीज़ की। आप यहाँ से अपनी भी देख सकते हैं कि क्या मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और यहीं से आपको आपके प्रोफेसर्स भी मिल जाएंगे जिनको आपने कंसेंट लेटर्स के लिए ईमेल करनी है। वो तो आपको पता ही होगा कि हमने ईमेल्स कैसे करनी होती हैं। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए इसकी डेडलाइन ने बताया 19 मार्च टू 9 अप्रैल 2019 है, और डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेडलाइन क्या है, अप्रैल 16 2019, मतलब कि 16 अप्रैल तक आपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं बाई हैंड, वहाँ पे पहुँच जाए आपके बाई पोस्ट। अराइवल चेकअप सबमिशन यहाँ तक 16 अप्रैल तक आपको बताते जाएगा। एप्लीकेशन रिव्यू एंड स्कॉलरशिप रिव्यू ये जून तक जाएगा, और फाइनल रिजल्ट आपका 21 जून 2019 को अनाउंस किया जाएगा, और क्लासेस जो आपकी होंगी 2 सितंबर 2019 से स्टार्ट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट नोटिस में क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपके रिकमेंडेशन लेटर होंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली फिल होंगे, आप अपने प्रोफेसर की ईमेल देंगे और उनको जो इलेक्ट्रॉनिकली लिंक जाएंगे। अच्छा दीदी, एप्लीकेशन फीस की, एप्लीकेशन फी है $80 है, $80 आप पेमेंट आपने करनी है, ट्रांसफर करनी है, इनकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है। डॉक्यूमेंट दैट आर सेंड टू द एडमिशन ऑफिस कैनॉट बी रिटर्न, जो आप सेंड करेंगे वो रिटर्न नहीं होंगे, आपने पढ़ने के बाद आई रीड दिस पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाना है। अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और स्टेप 4 भी हैं, ऑप्शनल भी हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने कुछ आपसे डिमांड की हुई हैं, चीज़ें मांगी हुई हैं, अब आपने उन चीज़ों के मुताबिक जैसे जैसे उन्होंने मांगी हुई हैं उसके मुताबिक आपने डिटेल्स देनी है। प्रोग्राम मास्टर पी एच डी जो भी जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। मेजर आपकी क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग है मेरी, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। फैकल्टी एडवाइजर ये देखिए जैसे लिखा है ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो लिख देंगे, अगर नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है, मस्ट नहीं है। बेसिक नेम उस्मान अहमद के नाम से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यू मोहम्मद 185@gmail.com आपने ये कर लिया, आपकी ये आ गई। ये आने के बाद आपने प्लीज अबव लिंक विल बी यूज्ड टू योर आइडेंटिटी, आपकी आईडी होगी, आपने पासवर्ड कंफर्म करना है, कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोफाइल फोटो अपनी अपलोड करनी है। प्रोफाइल फोटो अपलोड करने के लिए आपने चूज फाइल पे जाना, चूज फाइल से आपकी जहाँ पे भी पिक्चर्स गिवन हो आपने उस पर क्लिक करना है। डिग्रीज जहाँ पे भी आपकी हो आप अपनी प्रोफाइल से अपने लैपटॉप से या अपने हार्ड ड्राइव से इसको उठाएंगे, यहाँ से करने के बाद इसको अपलोड करेंगे। क्योंकि काफ़ी जब कुछ रह जाता है तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको जो है हम कंप्लीट करके बता दें। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है, अपनी जो भी आपकी बनती है आपने वो कर लेनी है। जेंडर आपका मेल आ गया, मोबाइल नंबर आपने देना है जो भी है, क्योंकि हमारा मोबाइल कोड पाकिस्तान का है तो हम
उसके हिसाब से देंगे, आपने अपना भी यहाँ पे दे लेना है जो भी बनता है आपका मोबाइल फोन 0092, ऐसे ही यहाँ पे आपने देना है। आप लिख सकते हैं पोर्ट्रेस एड्रेस, आप लिखेंगे जो भी आपका एड्रेस है आपने वो देना है। फॉर्किन के लिए आपका नहीं है, यहाँ पे आपने क्या कर देना है, क्रिएट अकाउंट, प्लीज एंटर पासवर्ड अगेन, पासवर्ड शुड बी द लेंथ ऑफ द टू करेक्टर एंड इट मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर नंबर एंड स्पेशल करेक्टर, मतलब कि यहाँ पे स्पेशल करेक्टर भी हमें रिक्वायर हैं। USMN एट तो आपने पासवर्ड को करने के बाद क्रिएट माय अकाउंट पे करना है। डू यू वांट टू सेव दिस पेज, यस सेव कंप्लीट। अब आप देखेंगे क्या होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस के जरिए जो भी है आपने यहाँ पे वो कर लेनी है। अब आपकी एकेडमिक स्टार्ट हो गई है, आप ये देख लेंगे स्टेप वन हमारा रजिस्टर हो गया, स्टेप टू में हम आए हैं। एकेडमिक्स आपने रजिस्टर करनी है, अभी देखें ना यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। आपने जैसा कि मैं बता रहा था आपने क्या करना है, अपनी यहाँ से अपनी बीएस का एमएस का पीएचडी के बता रहे हैं जिसके बारे में भी आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एमएस के लिए कर रहे हैं तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, अपनी जो है बैचलर की डिग्री देनी है। और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बीएस की, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएस एमएस दोनों की, तो ऐसे ही करके आपने जो है डिटेल यहाँ पे दे देनी है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आपने यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं अपना जो भी है। आप कॉन्टिनेंट अप्लाई करेंगे, एशिया कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे अपना, पाकिस्तान, पाकिस्तान करने के बाद आप नेम ऑफ एड्रेस लिखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आपने ये करने के बाद इसको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी डिटेल आ गई, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आपकी आ गई है। मेजर आपका क्या था, अपने मेजर के बारे में बताना है, केमिकल इंजीनियरिंग ड्यूअल मेजर कोई है तो आप लिख देना है। आपकी सीजीपीए क्या थी, 3.41 आउट ऑफ 4 आ गई परसेंटेज, जो भी आपकी बनती है आपने यहाँ पे अपनी मर्जी से जो भी निकाल के रख देनी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को जैसे मैंने बताया आपने एग्जामिशन पे क्लिक करना है, एग्जामिशन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये नहीं होगा। पब्लिकेशंस अगर आपकी हैं तो आपने देनी है, कब पब्लिश हुई, टाइटल क्या था, नेम ऑफ जर्नल क्या था वो देना है। वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम टू कब से कम तक किया आपने, एक्सपीरियंस के बारे में अपनी डिटेल देनी है, इसका भी कोई मुश्किल नहीं है। रिकमेंडेशन लेटर आपने यहाँ पे रिकमेंडेशन पुट करना है, ये देखें नेम है, एफिलिएशन है, पोजिशन है, पोस्टल एड्रेस है, ईमेल है, ऐसे ही यहाँ पे दोनों का है तो उनको इलेक्ट्रॉनिकली जो है मेल चली जाएगी। आपने इसको करने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। स्टेप थ्री पे आए, व्हाट यू स्टडीड एट द प्रीवियस इंस्टीट्यूशन आपने यहाँ पे अपना लिखना है, बैचलर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ऑयल एंड गैस, या जो भी है आपका आपने मेजर बता देना है। मोटिवेटिंग अप्लाई फॉर दिस मेजर, आप किस स्कॉलरशिप के लिए या इस प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, आपके मोटिवेशन या आपका स्टडी प्लान से भी या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज से आपका आंसर मिल जाएगा जो आप लोगों ने बनाए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ABC का लेता हूँ, ब्रीफ स्टडी प्लान आपने बनाया हुआ है, आपने वो यहाँ पे लिखना है जो भी होगा। फ्यूचर प्लान आफ्टर स्टडी, आपके मोटिवेशन लेटर से है, स्टडी प्लान में भी होता है आपके, वहाँ पे ये होगा आपने वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करना है, आपने वो लिख देना है। ऑनर्स एंड अवार्ड्स, ये वैसे कि आपकी पब्लिकेशन हो सकती हैं, आपकी पोजीशन हो सकती है, या वैसे भी कुछ आपके पास कोई आपने स्कॉलरशिप गेट किया या कोई और जैसे अचीवमेंट्स कंपटीशन होता है आपने उसकी यहाँ पे डिटेल देनी है। ABC इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रीवियसली अटेंडेड, आपने जो भी किया उसके बारे में बताना है। जैसा कि आप बताओगे कि जी मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है पाकिस्तान में, अच्छी वेल डिफाइंड यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग इतनी है, फला फला, आपने उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दे देनी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है, ये रिक्वायर्ड है जैसा कि मेंशन है। इसको करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन है सेल्फ सपोर्टेड, पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल स्पॉन्सर, स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन फी मार्क, यहाँ पे आपने क्लिक करना है किस पे, KAIST स्कॉलरशिप पे। आपने जब इस पे क्लिक करना है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सब पे जो है क्लिक हो गया है। स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको कोई भी स्पॉन्सर नहीं था, आपने इसको सिंपल ब्लैंक छोड़ देना है। आप क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे, डू यू वॉन्ट टू सेव, सेव कंप्लीट। जब आपने इस पे क्लिक किया, फिनिश राइटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर मेकिंग द पेमेंट, अभी आप ये देखें यहाँ पे आपकी पेमेंट आ गई है कि जो आपने पेमेंट करनी है।
नेम मोहम्मद उस्मान, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन ये आपकी सारी आ गई, लेकिन अब वो कह रहा है कि आपने जो है एप्लीकेशन फी जो है आपने पे करनी है। अब यहाँ पे देखें सारी आपकी डिटेल है, एमएस है, मेजर है, केमिकल है, यहाँ पे सिर्फ इनकम्प्लीट कम्प्लीट जो भी है आपका आप फिल करेंगे तो आ जाएगा। आफ्टर पेइंग द एप्लीकेशन फी यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई योर एप्लीकेशन, जब आप फी कर लेंगे तो आपको ना फी रिफंड होगी ना ही आप अपनी एप्लीकेशन को चेंज कर सकेंगे। दस केयरफुली चेक आउट व्हाट यू हैव फिल्ड इन बिफोर द पेइंग एप्लीकेशन, आपने अपने प्रोफाइल को एक बार क्या कर लेना है, गौर से एक बार पढ़ लेना है, देख लेना है। Applications for the global IT program are required to contact staff of the other period for फलाना, ये उनके लिए है, आपने क्या करना है। अब यहाँ पे प्रिंट पे है, पे चेन पे है, मॉडिफाई पे आप क्लिक कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को जो है चेंज कर सकते हैं यहाँ से देखने के बाद। जब आप जाएंगे पे नाउ पे, आफ्टर एट द एंड जब आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, गिवन आफ्टर पेमेंट यहाँ पे दिया जाएगा, प्रिंट योर एप्लीकेशन एंड सबमिट विद योर विया पोस्ट, प्लीज प्रीव्यू योर एप्लीकेशन थ्रोली एंड मेक श्योर यू हैव एप्लीकेशन नंबर बिफोर प्रिंटिंग। तो सिंपल यहाँ पे है, उसके बाद आप देखें जैसा कि मैं इस पर कर रहा हूँ तो ये कोई मेरी भी एप्लीकेशन जो है कम्प्लीट पीछे नहीं है, जो वो देख रहा है कि प्लीज फिनिश राइटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर मेकिंग द पेमेंट, पेमेंट करने से पहले वो कहता है कि आपने इसको एक बार फिनिश करना है, प्रीव्यू कर लेना है, आपने ये आपने फिल किया जो भी आपका डाटा था आपने इसको फिल करने के बाद। तो जब आपकी ये होगी, जब आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस वहाँ पे होंगे, पेपाल होगा, अली पे होगा और यूनियन पे होगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस एक एप्लीकेशन भी बताई है, वीडियो बनाई थी कि आपने कैसे फी पे करनी है, वहाँ पे वीज़ा कार्ड भी होगा, मास्टर कार्ड भी होगा, आप वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड से भी अपनी फी पे कर सकते हैं, लेकिन फिर बता दूँ वो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, वो डेबिट कार्ड नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के जरिए आप अपनी एप्लीकेशन फी पे कर सकते हैं, अगर फी पे नहीं कर पा रहे तब आप कोशिश करेंगे किसी ऐसे बंदे से कॉन्टैक्ट करें जिसका पेपाल का कॉन्टैक्ट हो, पेपाल का अकाउंट हो या अलीपे का अकाउंट हो। वैसे मेरा भी एक्सपीरियंस है, जो मैंने किया है अप्लाई, आप वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं क्रेडिट कार्ड से अपनी फीस को पे कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा छोटा सा फॉर्म था, उसके बाद क्या होगा जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आप एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं, माय पेज पे क्लिक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिशन, इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करनी है और रिजल्ट अनाउंसमेंट आपकी सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो आपने इसका प्रिंट आउट लेना, प्रिंट आउट लेने के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके केएस्ट को बाय पोस्ट सेंड कर देने हैं। तो आज की वीडियो का मकसद जो था वो यही आपको बताना था कि आपने इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है। बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, ऐसे स्कॉलरशिप आपको बार बार नहीं मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इंफॉर्मेशन और गाइडलाइन पहुँचा सकें। अल्लाह हाफिज़।